भगवान शिव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मैं सभी किसान बुजुर्गों को प्रणाम, मेरे युवा साथियों को मेरी राम राम। मैं आज आपके बीच 175 किलोमीटर चल के आया हूं। मेरे साथी जो कुछ 9 दिन व्रत है, नंगे पैर भी साथ चल रहे हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। मेरे साथ चलने वाले हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग को मेरा प्रणाम और नमन। तो मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मुझे थकान का एहसास होने नहीं देते कि भैया तुम थक गए हो। मेरे साथ मेरे पिता तुल्य जनपद के अध्यक्ष नत्थू यादव जी, दीवानजी पुरवा से झल्लू पटेल जी, मटोंदा चौवन से शंभू पाठक जी, मदारी से रवि चाचा, महादेव भैया, सिंदूर की सरपंच वेदार से मंगल सिंह दाऊ, गढ़ी मलेरा से मुल्ले चौरसिया पार्षद रवि चौरसिया, गढ़ी से घनश्याम भैया बाबूजी, गुरसारी करौला बरदोहा के भी कुछ लोग हैं, पृथ्वीपुरा, तो सभी को प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। मैं आज आपके बीच आपकी मांगों को लेकर निकला हूं। आज हर गांव में किसान परेशान है, सूखे की स्थिति है, किसी भी गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, हमारी माता बहने परेशान है। हर गांव की, हर मोहल्ले में, हर गली में दारू की दुकानें खुली हुई हैं, जिससे हर घर बर्बाद है। मैं आपकी कुछ मांगों को लेकर निकला हूं, आपका साथ